जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में जो है बृहद हिमालय की, मध्य हिमालय की और शिवालिक हिमालय की। इससे पहले की वीडियो में जब हम बात किए थे ट्रांस हिमालय की। दोस्तों देखिए, बृहद हिमालय की बात करते हैं तो बृहद हिमालय सबसे बड़ा है। बड़ा है इसलिए उसे हम बोलते हैं बृहद हिमालय। इसके बाद जो है ये आंतरिक हिमालय, क्योंकि भारतीय सीमा की तरफ पड़ता है, ट्रांस हिमालय में अंदर की तरफ पड़ता है, इसलिए बोलते हैं आंतरिक हिमालय। महान हिमालय सबसे बड़ा है इसलिए महान हिमालय। अब सर्वोच्च हिमालय की बात करते हैं तो ऊंचा भी है, सबसे ऊंचा है बृहद हिमालय, इसलिए इसे सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं। अगर हिमाद्री हिमालय, तो यहाँ पे हिमाद्री मतलब ग्लेशियर पाए जाते हैं, बर्फ जमे हुए पाए जाते हैं, तो हिमाद्री हिमालय और मुख्य है इसलिए मुख्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें अगर, तो माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों अगर हम बात करें कि तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में बोलते हैं चामो लुगमा। तिब्बत भाषा में इसे बोलते हैं चामो लुगमा। जबकि अगर हम बात करें कि नेपाल में क्या बोलते हैं, तो नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। पूरी दुनिया में क्या बोलते हैं, तो माउंट एवरेस्ट। पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट, तिब्बत में जो है चामो लुगमा, और अगर बात करें कि जो है नेपाल में क्या बोलते हैं, तो सागरमाथा। चामो लुगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। अगर हम इसकी विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार जो है पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेके, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी नंगा है, तो याद रखना बहुत इजी पड़ेगा कि नंगा पर्वत से लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक, ठीक है। इसका पाकिस्तान में जो है नंगा पर्वत है। उत्तराखंड की बात करें तो कामेट पर्वत। अगर नेपाल की बात करें, कामेट और नंदा देवी। नेपाल की बात करें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू। नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, गौरीशंकर, छुयू। गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। अगर भारत और नेपाल की बात करें, तो भारत और नेपाल में कंचनजंगा, और अरुणाचल प्रदेश में जो है नामचा बरवा। देखिए इसके जो है चोटी से ही क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, तो पाकिस्तान में नंगा पर्वत, उत्तराखंड में कामेट पर्वत और नंदा देवी पर्वत। अब नेपाल की बात करें, तो नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। भारत और नेपाल में, भारत में ज्यादातर हिस्सा पड़ता है कंचनजंगा का, और अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा। यहाँ पे मैंने इससे बता दिया, ये है अपना नंगा पर्वत पाकिस्तान में पड़ेगा, ये उत्तराखंड में पड़ेगा, ये जो है नेपाल में पड़ेगा, ये जो है भारत में पड़ेगा। तो यहां याद रखना जरूरी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, गौरीशंकर, छुयू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, गौरीशंकर, छुयू, और जो है माउंट एवरेस्ट, और ये हमारा जो है मैकालू। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है दोस्तों याद रखिएगा 88-48, 2 सेंटीमीटर इसका बढ़ चुका है, तो 88-50। अब हम बात करें मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय जो है पर्यटक के लिए फेमस है। जितने भी पर्यटक स्थल है ये मध्य हिमालय में पड़ते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 1800 से 3000 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 80 से 100 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर। पीर पंजाल श्रेणी जो है पश्चिम में विस्तार है। इसमें जो है पीर पंजाल दर्रा भी मिल जाएगा और बनियाल दर्रा, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये पर्यटक स्थल है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब पर्यटक स्थान है। इसके ढाल के जो है, ढाल पे जो छोटे छोटे घास के मैदान है, ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान है, इसे जो है कश्मीर में मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में जो है बुग्यास या पयार, बुग्यास कहते हैं या पयार कहते हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये बहुत फेमस है। गुलमर्ग कहां पाया जाएगा और सोनमर्ग कहां पाया जाएगा,
तो ये जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं कश्मीर में। प्रमुख घाटियों की बात करें, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, फिर से एक बार घाटी देखते हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटक स्थल आते हैं वो जो है मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। और शिवालिक हिमालय की बात करते हैं, शिवालिक हिमालय तो जो है उप हिमालय भी बोलते हैं, ब्रह्म हिमालय भी बोलते हैं और पदस्थ हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक हिमालय, उप हिमालय, ब्रह्म हिमालय, पदस्थ हिमालय, नया बना है नवीन हिमालय भी बोलते हैं, एकदम बाहर की तरफ है तो बाहरी हिमालय भी और लघु हिमालय भी। सर्वाधिक जो है हिमस्खलन जो है इसी में होता है, इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर, हिमाचल और पंजाब में जो है 50 किलोमीटर। अब शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच बहुत सारी घाटी पाई जाती है, इसको जो है पश्चिम में जो है दून बोलते हैं, दून का मतलब देहरादून, इसी को जो है मंड भी बोलते हैं, पूर्व में जो है हरिद्वार बोलते हैं। शिवालिक और हिमालय में अरुणाचल में दफला, ठीक है, आबीर, मिरी, मिसमी पहाड़ी। अगर हम बात करें अंडमान जो है किस हिमालय पर्वत का हिस्सा है, तो शिवालिक हिमालय पर्वत का हिस्सा है। अगर इधर देखें तो सुलेमान हो जाता है, ये जो है डफला मिरी, ये डफला इधर पड़ेगा, मिरी, अबीर और मिसमी, इधर एक भाग कटता है जिसे अरकाम और नीचे अंडमान। शिवालिक का दक्षिण पूर्वी जो है भाग जो है अंडमान होता है। जय हिंद दोस्तों।